गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू लुक। तो अभी मैं हूँ मेरे मामा के घर पर। मेरे मम्मी के मौसी के घर। तो मैं आप सबको दिखाता हूँ कौन कौन है। मेरे मम्मी के मौसा जी है, मौसा है, ये मेरे मौसी है, ये मेरे मम्मी के मासी है, मम्मी का मौसी, मेरे मामी है, ये मेरे मौसी का लड़का का बेटा। हाय बुरा तो मैं आ चुका हूँ अपनी जगह पर और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक सरप्राइज है आप सबके लिए। मेरी एक मैंने एक ड्राइंग बुक को पब्लिश की थी अमेजोन पर जो कि रिव्यू में थी 3 दिन से, आज पब्लिश हो गई है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पहली ड्राइंग बुक की बुक को पब्लिश हो गई, कोई उसमें परेशानी नहीं आई। तो वो विदेश में ही बिकेगी, अपने इंडिया में तो नहीं बिकेगी, फॉरेन कंट्री में ही बिकेगी, यूएसए, कनाडा, यूके, सब जगह पर बिकेगी, रशिया, फ्रांस, सब जगह पर जहाँ पर डॉलर करेंसी चलती है वहाँ पर बिकेगी। और आप सब यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो मेल का, मुझे आज मेल आया था कि आपकी बुक पब्लिश हो गई है, जो कि मैं ये सब यूट्यूब से ही सीखता हूँ और करता हूँ सब काम। मैं कहीं पर भी कोर्स करने नहीं जाता हूँ, मैं यूट्यूब से ही सब सीखता हूँ और सब काम करता हूँ। ये जो भी है फ्रीलांसिंग का काम, ये एक फ्रीलांसिंग काम ही है, जो कि अब मैंने ये किया है वो एक फ्रीलांसिंग काम ही है। और बाकी तो मेरा चल रहा है यूट्यूब का, उसमें तो मेरी अभी कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है यूट्यूब में, तो ना ही चैनल मोनेटाइज हुआ है, ना ही कोई प्रमोशन आ रहा है। गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप सब, और आज मैं मामू के घर गया था तो वहाँ पर उनकी जो बेटी है, बड़ी है, जो कि उनकी जो बड़ी बेटी है पर मुझसे तो काफ़ी छोटी है, वो कहीं चली गई थी बाहर, तो इस वजह से वो घर में नहीं दिख रही थी। मैं उसे ढूंढ रहा था कि वो कहाँ गई, बाकी उसे भी मैं ले लेता था वीडियो में, जो कि वो कहीं मर गई थी इसलिए नहीं लिया मैंने। फिर कभी जाऊंगा या फिर वो मेरे घर आएगी तो मैं ले लूँगा। और भी है आप सबके लिए सरप्राइज, पर अभी नहीं, धीरे धीरे दूंगा मैं सब आप सबको, एक साथ ही सरप्राइज नहीं दे दूंगा, धीरे धीरे ही दूंगा। और मैं कल आप सबको बता रहा था कि ये जन्माष्टमी का त्योहार है जो कि बाहर कहीं कोई कोई राज्यों में होता है फेस्टिवल जन्माष्टमी का, कि हमारे गुजरात में तो बहुत धामधूम से होता है, और गुजरात में सब जगह पर होता है, पर हिंदू लोग ही उसे मनाते हैं, हिंदू ही मनाते हैं। और आप सबको बता दूं कि हरिद्वार आप सब जाओ, आप सबको घूमने जाना हो ना कहीं, तो एक बार हरिद्वार जाके देखो आप, वहाँ पर आपको चैन मिलेगा, चैन मीन्स शांति मिलेगी, एकदम शांति। और वहाँ पर भी कोई ऐसा आश्रम या ढूंढना जहाँ पर घाट हो आश्रम के नजदीक, ऐसा ही आश्रम ढूंढना, क्योंकि वहाँ पर ही आपको शांति मिलेगी घाट पर बैठकर रात को। तो क्या है ना, वहाँ पर घाट पे रात को आप सब बैठते हो ना, तो वहाँ पर वैसे तो शांति होती है, कोई नहीं होता, पर एक चीज़ का आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं।
इसलिए वहाँ पर है ना, हम गए थे ना तो हम वहाँ पर बैठते थे रात को, कोई नहीं होता, शांति से बैठते थे और सिर्फ वहाँ पर शांति के लिए ही सब जाते हैं, मन की शांति के लिए। और वहाँ पर घूमने की कई सारी जगह है, पास में ही ऋषिकेश है, ऋषिकेश में राम झूला लक्ष्मण झूला है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो घूमने। और वहाँ से आप केदारनाथ भी जा सकते हो, जो कि मेरा ड्रीम है जाने का केदारनाथ, एक बार तो मैं जाऊंगा ही कैसे भी करके भोले बाबा के दर्शन के लिए, केदारनाथ दादा के दर्शन के लिए। और एक मेरा और एक चैनल है, शॉर्ट का चैनल, जो कि वो तो मैंने अभी भी शुरू किया है, क्योंकि इस चैनल पे है ना मैं डेली शॉर्ट वीडियो नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉगिंग का कंटेंट मैं डालता हूँ, तो क्या है ना मिक्स कंटेंट हो जाएगा ना, तो फिर जो लोग मेरा व्लॉग पसंद करते हैं वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो लोग शॉर्ट पसंद करते हैं वो लोग व्लॉग देख के डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से मैं शॉर्ट का चैनल अलग से बनाया हूँ, जिसका लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज तो टाइम लैप्स भी नहीं डालूंगा, और आज व्लॉग को छोटा ही रखेंगे, क्योंकि मुझे अभी शॉर्ट निकालने हैं दो तीन, उस वो शॉर्ट वाले चैनल के लिए नेचुरल शॉर्ट, जो कि मैं म्यूजिक के साथ ही डालता हूँ डेली। और हाँ, कभी कभार ज़्यादातर मैं फनी शॉर्ट ही डालूंगा, कि अभी क्या है ना आज तो मुझे टाइम नहीं मिला मॉर्निंग में, क्योंकि मैं व्लॉग अपलोड कर रहा था, अपलोड किया, एडिटिंग कर रहा था, और एडिटिंग हो गया, फिर मैं मामू के घर गया था दोपहर को खाना आने, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला दोपहर में, फिर दोपहर में आकर सो गया था। फिर मेल चेक किया तो मुझे ये न्यूज़ मिला, जो कि मैंने सुबह में ही देख लिया था मेल तो, पर ठीक से पढ़ा मेल मैंने दोपहर को, क्योंकि तब मैं फ्री था और मॉर्निंग में मैं बिजी था, लोग एडिट कर रहा था, इस वजह से। हाँ गाइस, मुझे आज यहाँ पर अभी दो सब्सक्राइबर मिले मुझे, नहीं न्यू सब्सक्राइबर, जो कि अभी आज अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और वो डेली मुझसे मिलते हैं, मेरे दोस्त थे PSI या कुछ पुलिस में जाने की ट्रेनिंग की ही तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर रोज जिम में आते हैं और दौड़ने आते हैं, क्योंकि मुझे रोज डेली मिलते हैं। मेरे दोस्त हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए, वो मुझे रोज ही यहाँ मिलते हैं और वो चले जाते हैं, फिर मैं यहाँ बैठ के व्लॉग बनाता हूँ डेली। मुझे बोलते हैं महादेव, और तो मैं भी उन्हें बोलता हूँ मैं भी महादेव का भक्त हूँ और वो भी महादेव के भक्त है, तो इस वजह से हम दोस्त हैं। फिर मैंने आज उनको बताया कि मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब करोगे, तो उसने बोला हाँ करेंगे, क्यों नहीं, तो मैं कल आप सबको उनसे मिलवाऊँगा, वो चाहेंगे तो ही, वरना नहीं कल मैं व्लॉग शूट करूँगा ना, तो करता हूँगा ना कल शायद, हाँ कल आऊँगा, शायद से ना आ पाऊँ तो परसों, क्योंकि कल आज ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तब जन्माष्टमी होगी, कृष्ण जन्म, और कृष्ण जन्म तो रात को 12 बजे होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ था, इस वजह से। पर मैं कल भी आऊँगा ही, मैं वक्तों का भी छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी वॉक किए बिना अच्छा नहीं लगता है, वॉक करता हूँ ना तो पूरा बॉडी फ्री रहता है और थकान नहीं होती, इस वजह से। आप सबको एक बात बता दूँ, आप सब नींबू पानी पियो, नींबू एक नींबू निचोड़ के एक गिलास में पानी पियो, भी कुछ नहीं होगा और आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी। मैं डेली एक या डेढ़ नींबू निचोड़ के एक गिलास पानी पीता हूँ, और मुझे सब्जी में भी नींबू चाहिए ही चाहिए, कोई भी सब्जी हो मुझे पसंद हो ऐसी सब्जी में
नींबू चाहिए ही चाहिए, आधा नींबू। और खाने के टाइम पर मैं खाने से पहले आधा नींबू पी लेता हूँ, फिर आधा नींबू सब्जी में डाल देता हूँ, और एक नींबू ऐसे ही पानी की बोतल में गिलास पानी डाल के रूम में लेके जाता हूँ छोटी बोतल में, और फिर पीता हूँ मैं नींबू पानी। खाली ऐसे ही नींबू पानी, नींबू शरबत नहीं। आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी और अच्छी रहेगी, हेल्थ भी, थकान महसूस नहीं होगी। मुझे अब पता चला, अब नहीं मुझे तो झुकी पहले से पता था कि नींबू से थकान नहीं होती नींबू पीने से, तो मैं ये भूल गया था कि नींबू से एनर्जी रहती है हमें, तो नींबू पीना चाहिए। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया नींबू। तो आज के व्लॉग का यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना व्लॉग को, एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स और होंगे आप सबको फॉलो कर देना, वहाँ पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे इंस्टाग्राम का और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का, तो आप सब वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर हो गया सब जगह पर। और हाँ, एक खास बात, लाइक कर देना उन लोग को, लाइक सब्सक्राइब में सब्सक्राइब बटन आप गुस्सा मार के प्रेस करो, या मुक्को मारो, या झपड़ मारो, या उंगली से प्रेस करो, बस लाल बटन प्रेस हो जाना चाहिए और बेल आइकन क्लिक हो जाना चाहिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, पीस आउट।